हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आया हूँ मैं सुल्तानपुरी मछली और मुर्गा मार्केट में। यहाँ पे जानेंगे होलसेल में जो है मछली और मुर्गा जो है किस रेट में बिकता है, और यहाँ पे सुनने में मिला है और मार्केटों से जो है सस्ता माल मिलता है। तो चलते हैं मार्केट के अंदर। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया है, देखते हैं अभी जो है होलसेल वाला रेट जो है यहाँ पे सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और होलसेल में माल उतरता है तो कितने बजे उतरता है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और किस तरह का रेट रहता है, क्या भीड़ रहता है, ये सारा दिखाने वाले हैं और पूरा मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों, हमें मिले हैं मंडी के जो फिश मार्केट और मुर्गा मार्केट के जो प्रधान है, तो सर से मुलाकात हुई है तो इनसे भी दो बात जानेंगे। हाँ जी सर जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम हाजी मोहम्मद शाहिद है, मैं सुल्तानपुरी मच्छी मार्केट से प्रधान हूँ। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जी तमाम दिल्ली वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हमारी सुल्तानपुरी मच्छी मार्केट में जी हर तरह की मछली बहुत सस्ते रेटों पर मिलती है, साफ सुथरी करके और पूरा वजन और सभी प्रकार की सुविधाएं किसी भी ग्राहक को हम यहाँ संतुष्ट करके बेचते हैं। अच्छा। तो सर जी, जैसे कि आमतौर पर मैं सब्जी मार्केट का बनाता हूँ वीडियो, तो यहाँ पे प्रधानी का रोल क्या होता है सर? प्रधान का ये रोल होता है कि जैसे कोई कस्टमर आता है, किसी कस्टमर को किसी तरह की कोई हमारा मार्केट का आदमी परेशान ना करे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को मछली कम ना तोल दे। अच्छा। या किसी भी तरीके किसी भी कस्टमर को हमारे यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मतलब जो भी होलसेल में माल खरीदने के लिए आते हैं, अगर उनको कोई भी परेशानी होता है रिलेटेड, मछली से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, तो वो आपसे संपर्क करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे संपर्क करेगा और हम उसकी मुश्किल को बिल्कुल तरीके से उसको समझा के और उसको संतुष्ट करके भेजेंगे जी। और जैसे मछली 150 रुपए किलो वाली मछली दिल्ली के अंदर जो बिकती है जी, उसको हमारे यहाँ 20% कमी मिलेगी, वो 120 से 130 मिलेगी। अच्छा। जो 100 रुपए वाली मछली है वो 70 की 80 की मिलेगी जी, और रेट भी कम होता है हमारे यहाँ, और साफ सुथरी मछली होती है, जिंदा मछली का कारोबार है यहाँ। अच्छा, जिंदा मछली का कारोबार है। गाड़ियाँ यहाँ पे कितने बजे लगती है सर? गाड़ी हमारी यहाँ 2 बजे से 4 बजे तक लगती है। अच्छा। जो थोक का कारोबार है, फिर उसके बाद में 4 बजे से और रात को 8:30 साढ़े 8 9 बजे तक परचून की दुकान पे। अच्छा। सभी लोगों को बड़ी संतुष्ट के साथ। अच्छा। सभी तरह का मुर्गा मच्छी और बकरा वगैरह सभी चीज कम रेटों पर मिलता है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे जो रेट खुलता है, डेली का रेट रहता है या फिर? हाँ, डेली का अलग, हर दिन का अलग रेट होता है। मुर्गे का तो लगभग, मुर्गे का और बकरे का तो फिक्स होता है जी, लेकिन मछली का जो रेट है वो हर रोज का अलग रेट होता है। अच्छा। जैसे बाजार वैसा ही रेट। अच्छा जी। और सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे बताते हैं कि सुल्तानपुरी में होलसेल और रिटेल में लगभग रेट सेम ही रहता है, तो ये क्या सच है? नहीं नहीं, उसका होलसेल का रेट अलग है और परचून में जो है वो रेट अलग है। अच्छा। उसमें परचून में 10-5 रुपए का अंतर होता है जी, लेकिन हम जो है हर ही ग्राहक को कमी रेटों पे मछली जो है सभी कम रेटों पे, मुर्गा भी और बकरा भी। अच्छा। कमी रेटों पे देते हैं, मतलब और मार्केटों से जो है कम रेट पे ही मिलता है यहाँ पे पूरी दिल्ली में हमसे बढ़िया मछली और सस्ती मछली कहीं नहीं मिलेगी, और साफ सुथरी जिंदा। अच्छा। मतलब अगर जिंदा मछली अगर किसी को लेना हो तो सुल्तानपुरी विजिट कर, बिल्कुल आए और हमारे संपर्क करें और हमारी मच्छी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मछली खाएं, और डॉक्टर भी मछली को कहते हैं कि मछली खानी चाहिए जी। और यहाँ पे कितने तरह की मछली मिलता है, कौन कौन सी मछली मिलता है? सभी तरह की मछली मिलती है, विदेश की समुद्री मछली भी मिलती है। अच्छा। और हरियाणा की भी मिलती है, लोकल भी, और सभी तरह की मछली मिलती है। सर, 5-10 नाम बता सकते हैं क्या? जैसे रोहू है, कतला है, गिलासकार है, कोमल कार्प है, सिल्वर है, ब्रिगेड है, बाम है, सिंगी है, सिंगाड़ा है, पाम्पलेट है, सुरमई है, ये सभी तरह की मछली हमारे, छोटी बड़ी सारी मछली, हर तरह की मछली। अच्छा जी। तो एक बार सर जी, आप अपना मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं क्या? मेरा नंबर है 786-40-87 और 786। अच्छा। सभी लोग आए और हमारी मछली मार्केट में हमें मौका दें जी, सेवा करने का, हम सेवा के लिए तैयार हैं। तो अपना भी दुकान है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुकान है, सारी हमारी। अच्छा। हाँ, सारी दुकान हमारी। तो दुकान नंबर कितना सर अपना? हमारी दुकान नंबर 90 C90 सुल्तानपुरी मिनी मार्केट। अच्छा जी, शुक्रिया जी। भाई रियान भाई ने बड़ा खतरनाक मछली निकाल दिया जी, एक बार थोड़ा सा सीधा करोगे जी? देखो जी, वाह जी वाह। तो दोस्त, क्या रेट रहने वाला है इस मछली का? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। अच्छा जी, कौन सी मछली है? टाइगर जी। अच्छा, ये समुद्री मछली है या क्या है जी? ये तालाब वाली है। तालाब वाली है। और ये रोहू कौन सा है जी? ये भी तालाब का है। इसका क्या रेट है दोस्त?
इसका 200 रुपए 200 रुपए एक के जी। अच्छा, और अपने पास देखने को मिला ये छोटी मछलियाँ भी है जी? छोटी मछली इसका रेट में मिलेगी, होलसेल में भी मिलेगी हमारे पास। अच्छा, रिटेल और होलसेल दोनों में? दोनों में। अच्छा, तो होलसेल में रेट बता दो दोस्त, क्या रेट बिक रहा है होलसेल में? होलसेल में 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो कोई भी मछली? नहीं नहीं, उसका अलग रेट है। अच्छा, इसका क्या रेट है? आधी किलो। ये कौन सी मछली है? 100 रुपए का आधी किलो। कौन सी मछली है दोस्त? चिलवा। अच्छा, और उधर वाला? वाला 100 रुपए 100 रुपए कौन सी है वो? पुठी। पुठी पुठी, ये सारे पुठी है जी? सब पुठी। और ये सोल? सोल तो दो ही तीन है ओरिजिन तो। अच्छा अच्छा, और अगर बात करें दोस्त ये वाला मछली का? 120 रुपए होलसेल में। अच्छा जी, तो अपने पास यहाँ पे गाड़ी कितने बजे खाली होती है? सुबह आती है 2 बजे 3 बजे खाली, 1 घंटा। अच्छा, मतलब 1 घंटे का ही समय होता है, मतलब 1-1.5 घंटे में गाड़ी यहाँ पे समाप्त है। ओके, अपना शॉप नंबर कितना है जी? शॉप नंबर है P4 सुल्तानपुरी। ओके, और झींगा क्या रेट दिए? मीडियम मार्केट, ये 100 रुपए। वजन कितना रहता है? 200 ग्राम 200 ग्राम। ओके चलो जी, शुक्रिया। ये कटिंग वाली है दोस्तों, एक भाई साहब से जो है बकरे का और मुर्गे का रेट जान लेंगे, होलसेल और रिटेल दोनों में काम है सर का। सर जी, अपने पास जो बकरा और मुर्गा जो बिक रहा है, पहले होलसेल में जानना चाहूंगा कि जो होलसेल में क्या रेट है जी जिंदा मुर्गे का? मुर्गा मुर्गे का होलसेल का रेट जिंदा का रेट होता है, चिकन का रेट नहीं होता है। होलसेल में जिंदा का रेट हमारा 132-135 रेट चल रहा है। अच्छा, तो कल का और आज के रेट में क्या डिफरेंस है? कल के आज के रेट में 5 रुपए ऊपर है। तो तेज हुआ है मार्केट या डाउन हुआ है जी? तेज हुआ जी, आज तेज है 5 रुपए। अच्छा, और सर जी अगर बात करें रिटेल का, तो ये कौन सा पीस है जी? ये लेग पीस है जी। अच्छा, लेग पीस का क्या रेट चला? लेग पीस का 220 रुपए का मंडी का रेट है जी। अच्छा, तो रिटेल में यहाँ पे अपने पास क्या रेट? 260 रुपए का। 260 रुपए और ये लॉलीपॉप वगैरह भी बेचते हैं क्या? लॉलीपॉप वगैरह बेचते हैं। अच्छा, उसका क्या रेट है जी आज का? 280 रुपए का रेट है रिटेल में। अच्छा जी, और ये कबाब वगैरह? ये 100 रुपए का 100 पीस। 100 रुपए का पैकेज, कितना पीस रहता है सर? सर 500 ग्राम होता है। 500 ग्राम वजन होता है जी। अच्छा, पीस में देखा जाए 5-6 पीस होता है इसमें। और सर जी आज का बकरे का क्या भाव है जी? बकरे का रेट है 440 रुपए थोक का रेट। थोक का रेट 440 रुपए और रिटेल में? रिटेल में 500 रुपए 500 रुपए अच्छा, और मार्केटों से यहाँ पे क्या सस्ता रहता है सर? हाँ, यहाँ और मार्केट से सस्ता रहता है। अच्छा, और ये जो सर जी ये मुर्गा है, ये कौन सा देसी है या क्या है जी? देसी नहीं है, बॉयलर मुर्गा बोलते हैं। अच्छा, इसका डिटेल में रेट जब बोलते हो रिटेल के अंदर 240 रुपए, थोक के रेट में 220 रुपए का रेट। अच्छा, 220 रुपए। और देसी भी अपने पास रहता है क्या? देसी भी है। उसका क्या बाजार रहता है सर? उसका 320 रुपए का थोक का रेट है, वैसे रिटेल में 350 रुपए का। अच्छा जी, तो जो होलसेल में लेगा सर जी माल, उसको कितना लेना पड़ेगा यहाँ से? 5-6 मुर्गे तो लेने पड़ेंगे कम से कम रिटेल में। होलसेल में। अच्छा जी, एक बार सर जी अपना दुकान का नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। दुकान का नाम है रियाज चिकन शो। अच्छा, मोबाइल नंबर क्या रहेगा जी अपना? 9871164887। शुक्रिया जी। और दोस्तों जो देसी बताया था, देसी क्वालिटी देख सकते हैं आप, देखो जी ये क्वालिटी है सर के पास, जो देसी बताया सर ने। और दोस्तों मार्केट में जो है जबरदस्त भीड़ है इस समय, जो है अभी रिटेल का टाइम हो गया, परचून का टाइम। होलसेल में जो लेना होता है लोगों को, या फिर होलसेल में जो माल उतरता है, वो 2 बजे तक जो है लगभग 3 बजे तक खाली हो जाता है जी। यहाँ पे 12 बजे से गाड़ी लगना स्टार्ट हो जाता है, और जिनको माल लेना होता है 2-3 बजे तक लेकर के चले जाते हैं। और ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये अभी सब जो है ज़्यादातर परचूनी ग्राहक है, परचूनी है एक तरह से समझ लीजिए। और अगर इक्का दुक्का होगा ग्राहक इसमें बीच में, तो परचून वाले होंगे, अदरवाइज जो है ये सारे ग्राहक जो है परचून वाले जी। और दोस्तों अभी जो रेट बताने जा रहा हूँ आपको, रिटेल का रेट बताने जा रहा हूँ, ये सिंगी मछली है और कई वैरायटी है भाई साहब के पास, छोटी मछली है और देख सकते हो। भैया ये सिंगी मछली क्या रेट दिए? 600 रुपए किलो सिंगी। रिटेल का बाजार है ये? हाँ। अच्छा जी, और ये वाला कौन सा मछली है जी? जंदा। क्या रेट है वो? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। और ये वाला? 160। 160 रुपए। और ये वाला कौन सा मछली है? पुठी। पुठी, तो ये थोक का है या फिर रिटेल का? थोक का। थोक का। और ये वाला कौन सा है जी?
कतला। अच्छा क्या रेट है वो? 160। 160 थोक में और रिटेल में? 200। 200 रुपए। और भाई साहब जो है आपके पीछे? 300 रुपए किलो। कौन सा मछली है जी वो? सोल। सोल, अच्छा जी। 300 रुपए थोक में है या रिटेल में सर? थोक में। थोक में, अच्छा जी। इसके अलावा और भी मछली मिलता है क्या अपने पास? टेंगना। इसके अलावा और भी मछली मिलता है क्या अपने पास? टेंगना मछली। अच्छा उसका क्या बाजार है जी? मछली 200। 200 रुपए। टेंगना 600। अच्छा जी, होलसेल में। अपना शॉप नंबर क्या है सर? अपना दुकान का नंबर कितना है? ओके जी, दोस्तों सर ने जो भी रेट बताया होलसेल का रेट बताया, बाकी होलसेल और परचून के रेट में जो है डिफरेंस है जी, 40-50 रुपए का मछली के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। होलसेल और रिटेल के रेट में लगभग जो है 40-50 के डिफरेंस में है। और एक भाई साहब के पास जो है, रोहू का क्वालिटी देख सकते हैं आप और जानते हैं भाई साहब से क्या रेट बेच रहे हैं। भाई साहब, हाँ जी दोस्त, क्या रेट बेच रहे हो जी मछली? रोहू 180 भाई। रोहू 180 रुपए भाई के पास है, हमारे प्रधान जी ये बताएंगे आपको। अच्छा तो अपने पास कितने क्वालिटी का रोहू मिलता है जी? हमारे पास आंध्रा और जिंदा हरियाणा राजस्थान का सारा रोहू मिलता है भाई, जिंदा वाला। अच्छा जी, और ये वाला कौन सा है जी? ये मछली है बुआरी। इसका क्या बाजार है? 300 रुपए किलो। अच्छा जी, तो ये होलसेल का रेट है या फिर रिटेल का है जी? ये रिटेल का, होलसेल का इसका 200 रुपए किलो का रेट है भाई। अच्छा 200 रुपए का, रिटेल में 300 है जी। रिटेल में 300। अच्छा, अलग अलग मछली में जो है अलग अलग डिफरेंस है होलसेल और रिटेल में जी? हाँ जी। अच्छा, और होलसेल में कितने बजे लेना आना पड़ेगा यहाँ पे? होलसेल में 1 बजे। 1 बजे? 1 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों सूखी मछली भी आपको मिल जाएगा इस तरह का। और भाई से पैकेट का रेट जान लेते हैं, कितने रुपए पैकेट है दोस्त? कितने रुपए पैकेट है ये सूखी मछली? सूखी मछली भाई जान, ये हमारे पास 80 रुपए का पैकेट भी है, 100 रुपए का भी है। ये कौन सा मछली है जी? ये बोला मछली है। अच्छा, इसका कितने रुपए पैकेट है ये? 80 रुपए पैकेट है। और ये वाला कौन सा है? ये झींगा माछ है। अच्छा, इसका क्या बाजार है? ये 100 रुपए का है, ये 20 रुपए का है। अच्छा, अलग अलग वजन के हिसाब से जी। ओके दोस्त, ठीक है जी मैम। और दोस्तों यहाँ पे आपको झींगा मछली भी मिल जाएगा, क्वालिटी देख सकते हैं आप। क्या रेट दी अंकल जी झींगा मछली? 100 रुपए पाओ। 100 रुपए पाओ। अच्छा, झींगा ही मछली बेचते हैं आप? झींगा बेचते हैं। अच्छा अच्छा।